सभी वैष्णवों को मेरे सहृदय भगवत स्मरण। आज मैं आपके सामने अपने हवेली संगीत के प्रकार के अंतर्गत राग विभास के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। अपने यहाँ राग विभास के बहुत सारे प्रकार हैं और राग विभास को गाने की अलग अलग बंदिशें हैं, तो उनमें से एक चार पांच प्रकार हैं। वैसे मैं आपके सामने चार एक प्रकार आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। वैसे प्रयोजन ये है कि जाकू जो बंदिश प्रभु के सन्मुख गानी फावे, वह बंदिश में कोई भी विभास को पद वो है प्रभु को सामने गा के वो प्रभु को रिझा सके है, या हेतु सु ये रिकॉर्डिंग करी जा रही है और कोई विशेष प्रयोजन यहाँ में नहीं है। अब यहाँ में एक सहज प्रश्न है होगा कि कौन सी बंदिश यहाँ में प्रामाणिक है, तो वह चक्कर में नहीं पड़ते भाई, अपन रागन की वह राग की बंदिशन पे ध्यान दें। चारों ही बंदिश बहुत ही खूबसूरत बंदिशें हैं और उनमें से जो भी बंदिश आपको फा रही है वह बंदिश में आप पदगान कर सको हो। और उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक यमुना जी को पद, वैसे तो पुस्तक में राग राम का ली है लेकिन याकू मैं विभास राग में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन चार बंदिशन में उनमें से दो बंदिशन में त्रिताल है और एक बंदिश में चौताल है और एक बंदिश जो है खाली बिना ताल के गाई गई है। वैसे अपने यहाँ यमुना जी के पद में सुबह जो विभास गवे वह में ताल नहीं बजे है लेकिन सीखवे की दृष्टि से ताल यहाँ पे दी गई है, सो श्रोतागण यह बात को ध्यान रखेंगे। सो पद है यह प्रसाद हो पाऊँ श्री यमुना जी, तुम्हारे निकट रहो निश्वासर राम कृष्ण गुण गाऊँ। परमानंद दास जी को बड़ो ही सुंदर पद है ये। परमानंद दास जी कह रहे हैं कि हे श्री यमुना जी, आपकी कृपा में पातो रहूं, कैसे पा सकूंगो, तो कह रहे हैं तुम्हारे निकट रहो निश्वासर, रात और दिन मैं आपके सामने आपके निकट रहूं और राम कृष्णन को गुणगान करतो रहूं, मज्जन करूं विमल जल पावन चिंता क्लेश नसाऊं। मैंने आपको जो विमल जल पावन है, मल रहित को जो शुद्ध जल है, वासु में स्नान करूं, आचमन करूं, वैसु में सब कुछ करूं अपनों, चिंता क्लेश बहाऊं, चिंता क्लेश को मैं दूर करूं, तिहारी कृपा ते भानु की तनया हरि पद प्रीत बढ़ाऊं। आपकी कृपा से आप जो भानु की तनया हो, भानु की मने सूर्य की पुत्री हो, वासु में हरि पद प्रीत बढ़ाऊं, ठाकुर जी के चरणारविंद में मेरी प्रीत में बढ़ाऊं, विनती करो यही वर मांगो, आपसे मैं विनती कर रहा हूँ और यही वर मांग रहा हूँ कि अधमन संग बिसराऊं, अधम लोगन को संग में भूल जाऊं, वो मकु न लगे। परमानंद प्रभु सब सुखदाता मदन गोपाल लड़ाऊं। हे परमानंद प्रभु जो सब सुख को देने वाले हैं, वह मदन गोपाल को मैं लाड़ लड़ाता रहूं, यही मेरी विनती आपसे है। सो ये यमुना जी को बड़ो ही सुंदर पद है। सो अब आपके सामने क्रमशः चार राग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सो पहला पद बिना ताल के, सो या प्रभु
प्रसाद हो पाऊं श्री यमुना जी यह प्रसाद हो पाऊं श्री यमुना तुम्हारे निकट रहो निस्वासर राम कृष्ण गुणगा मज्जन करूं विमल जल पावन चिंता कलेश तिहारी कृपा भानु की तनाया हरिपद प्रीत बढ़ा प्रसाद हो विनती करो यही वर मांगो अधमन सोंग बिसरा परमानंद प्रभु सब सुख दाता मदन गोपाल
पाते
Oh.